नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सीमा मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों की आज नई दिल्ली में बैठक। सरकार का रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए 50 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का प्रस्ताव। कौशल विकास मंत्रालय सरकारी स्कूलों में 500 कौशल केंद्र और प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा। ब्रिटेन की संसद ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के ब्रेग्जिट समझौते को मंजूरी दी। और उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। भारत चीन सीमा विवाद पर दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों की आज नई दिल्ली में बैठक होगी। इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच ये 22वीं बैठक है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे, जबकि चीन के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई वहां के विदेश मंत्री वांग यी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष अक्टूबर में चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच दूसरी अनौपचारिक शिखर बैठक के बाद से दोनों देशों के बीच विशेष प्रतिनिधियों की ये पहली बैठक होगी। भारत, अफगानिस्तान और ईरान के अधिकारियों की कल नई दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें चाबहार बंदरगाह के विकास और प्रबंधन समझौते के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि तीनों देशों ने इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड द्वारा दिसंबर 2018 में बंदरगाह का कामकाज संभालने के बाद हुई प्रगति का स्वागत किया। निगरानी समिति की दूसरी बैठक में संयुक्त सचिव और महानिदेशक स्तर के अधिकारी शामिल हुए। मंत्रालय ने कहा है कि पारगमन, परिवहन, सीमा शुल्क और परामर्श सेवा मामलों को आसान बनाने के तौर तरीकों को अंतिम रूप देने पर सहमति हुई। चाबहार बंदरगाह को लोकप्रिय बनाने के लिए अफगानिस्तान और भारत में प्रचार और व्यापार कार्यक्रम आयोजित करने पर भी सहमति बनी। रेलवे अगले 12 वर्ष में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश पर विचार कर रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि संयुक्त उपक्रमों के इस निवेश से रेलवे का आधुनिकीकरण, साजो सामान की लागत में कमी, माल ढुलाई में वृद्धि और रेल यात्रा विश्व स्तरीय बनाई जाएगी। श्री गोयल के पास वाणिज्य मंत्रालय का प्रभार भी है। उन्होंने कहा कि सरकार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी और रियल एस्टेट सेक्टर को ऋण देने में बैंकों को सहयोग देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों को बदलाव की दिशा में साथ मिलकर काम करना होगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने सरकारी स्कूलों में 500 कौशल विकास केंद्र और प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। मंत्रालय ने देश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कौशल भारत की कल्पना को साकार करने के लिए मंत्रालय नौजवानों को बड़े पैमाने पर उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देना चाहता है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का गठन 2014 में देश में कौशल विकास और उद्यमिता को गति देने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के तहत सालाना 1 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 2014 के मुकाबले देश में औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों की कुल संख्या में काफी वृद्धि हुई है और अब ऐसे 15,000 केंद्र देश भर में कार्य कर रहे हैं। देश के युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत अब तक लगभग 87 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। दीपेंद्र कुमार के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में निवेश के लिए निजी क्षेत्र लगातार आगे आ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में नए प्रशासनिक माहौल के बाद निजी क्षेत्र युवाओं और अर्थव्यवस्था की भरपूर क्षमता के उपयोग के लिए काफी आगे बढ़ा है। नई दिल्ली में कल बहुराष्ट्रीय सलाहकार कंपनी प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के अध्यक्ष द्वारा दी गई प्रस्तुति के दौरान उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 की मनोवैज्ञानिक बाधा इतनी बड़ी थी कि निजी क्षेत्र जम्मू कश्मीर में निवेश से बचता रहा था, लेकिन अब ये बाधा दूर हो गई है। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स जल्दी ही जम्मू विश्वविद्यालय में परिसर भर्ती अभियान शुरू करेगा।
उत्तर प्रदेश में विशेष न्यायालय ने 2007 के अयोध्या अदालत विस्फोट मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला न्यायाधीश अशोक कुमार ने आजमगढ़ के तारिक काजमी और जम्मू कश्मीर के मोहम्मद अख्तर उर्फ तारिक पर 50,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया है। तीसरे अभियुक्त सजादुर रहमान को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। चौथे अभियुक्त खालिद मुजाहिद की लू लगने के कारण बाराबंकी जेल में मौत हो गई थी। 23 नवंबर 2007 को लखनऊ, वाराणसी और तत्कालीन फैजाबाद की दीवानी अदालतों में सिलसिलेवार कई विस्फोटों में एक वकील सहित चार लोग मारे गए थे। ब्रिटेन के नवनिर्वाचित संसद ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के ब्रेक्जिट से अलग होने के यूरोपीय संघ के साथ समझौते की प्रारंभिक अनुमति दे दी है। संसद के निचले सदन में इसके पक्ष में 358 मत पड़े, जबकि विरोध में 234 सांसदों ने वोट दिया। यूरोपीय संघ से अलग होने के विधेयक अब आगे विचार के लिए संसद में जाएगा। विधेयक से बदलाव की अवधि के विस्तार पर यह प्रतिबंध लग जाएगा। इस अवधि के दौरान हालांकि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग होगा, लेकिन उसे 2020 के बाद काफी नियमों का पालन करना पड़ेगा। श्री जॉनसन ने कहा कि अब ब्रिटेन ब्रेग्जिट की मंजूरी की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गया है। जहाजरानी मंत्री मनसुख मांडविया ने कल गुजरात के कच्छ क्षेत्र में 7 पाकिस्तानी शरणार्थियों को भारत सरकार से जारी नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपा। उन्होंने गुजरात के मोरबी और कच्छ जिलों में शरण लिए पाकिस्तानी शरणार्थियों से भेंट की। श्री मंडाविया ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न से प्रभावित अल्पसंख्यकों के जीवन में नए अवसर लाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार उन्हें भारत में एक गरिमापूर्ण जीवन देने का प्रयास कर रही है। सभी शरणार्थी मित्रों ने मेरा स्वागत अभिवादन करके मोदी जी को अभिनंदन देने के लिए कहा है और मुझे ये बड़ी संख्या में शरणार्थी को देख के, उसके चेहरे को देख के खुशी हुई। हिंदुस्तान में शरणार्थी के रूप में वो आज दिन तक रहते थे और अभी से उसको नागरिकत्व मिल जाएगा भविष्य में। इस अवसर पर एक शरणार्थी परिवार में खुशी की लहर देखी गई। नागरिकता पाने वाले एक व्यक्ति ने इन शब्दों में अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। हम 2007 में आए थे, 2007 से लेकर 2014 तक कोई हमने आधार कार्ड की प्रोसेस नहीं थी, बैंकिंग की कोई प्रोसेस नहीं थी। 2014 के बाद जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है उसने हमें आधार कार्ड भी अप्रूव दिया है, बैंकिंग का भी दिया है। 2019 का जो बिल आया है, देखिए दीपावली साल में एक बार आती है, शरणार्थियों के लिए 70 साल में पहली बार दिवाली आई है। तो बहुत ही खुशी है कि हम गर्व से आज हिंदुस्तानी भारतीय कहलाएंगे। भारत ने मलेशिया से कहा है कि वो बिना सही जानकारी के उसके आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने से बचे। विदेश मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पर मलेशिया के प्रधानमंत्री की टिप्पणी को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है। मंत्रालय ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून में 3 देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को निर्धारित प्रक्रिया की अवधि में कमी करके नागरिकता देने का प्रावधान है। इस कानून से भारत के किसी भी नागरिक की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पुरानी दिल्ली में कल हुए हिंसक प्रदर्शन के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने 40 लोगों को हिरासत में लिया है। प्रदर्शनकारियों के पथराव में वरिष्ठ अधिकारियों समेत कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इस हिंसा और आगजनी में शामिल पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय पुलिस को सहयोग देने के लिए अन्य राज्यों से सुरक्षा बलों की 58 कंपनियां मंगाई गई थीं। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता MS रंधावा ने कहा है कि बाहरी लोग इस हिंसा में शामिल थे और पुलिस इन असामाजिक तत्वों को पकड़ने के लिए मामले की छानबीन कर रही है। अगर कोई भी अगर गैर कानूनी काम करने की कोशिश भी करेगा या करेगा, उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। हम सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशनों पर सामान्य सेवाएं आज सुबह फिर से शुरू हो गई हैं। सभी स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार खुले हैं। राजधानी दिल्ली में नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और सुरक्षा कारणों के मद्देनजर 18 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए थे। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फिर से बर्फबारी होने से पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कल फिर हिमपात हुआ। मौसम विभाग ने आज भी तेज बारिश और बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया है। बर्फबारी के बाद पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख कड़ाके की ठंड की चपेट में है।
मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में तेज बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट। कश्मीर में पिछले 10 रोज से तीव्र शीतलहर जारी है। आज से 40 दिवसीय सख्त ठंड का मौसम चिलय कलान शुरू हो गया है। चिलय कलान के दौरान आमतौर से बर्फबारी होती रहती है और इस दौरान खुश्क मौसम रहने से रात का तापमान शून्य से नीचे गिर जाता है और दिन के दौरान भी काफी ठंड रहती है। खराब मौसम और रामबन क्षेत्र में मिट्टी के तोदे गिराने के कारण श्रीनगर जम्मू राजमार्ग कल से फिर से यातायात के लिए अभी तक बंद है। श्रीनगर लेह राजमार्ग, मुगल रोड और अनंतनाग किश्तवाड़ सड़क भी यातायात के लिए बंद है। तारिक रात्र, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर। दिल्ली में भी कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण कई उड़ानें रद्द की गईं और रेल सेवाओं में बाधा पहुंची। दिल्ली हवाई अड्डे के अधिकारियों ने कहा है कि कल घने कोहरे के कारण 19 उड़ानें रद्द की गईं और 5 उड़ानों के मार्ग में परिवर्तन किया गया। रेलवे के अधिकारियों ने कहा है कि 100 से अधिक रेलगाड़ियां देरी से चली। आज दिल्ली में हल्की बारिश के साथ ठंड बढ़ने की संभावना है। पंजाब और हरियाणा भी शीतलहर की चपेट में हैं। इन दोनों राज्यों में से हिसार में सबसे कम 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। अमरीकी सांसद जॉन लेविस ने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिनिधि सभा में विधेयक पेश किया है। इसके लिए विधेयक में अगले 5 वर्ष के दौरान $15 करोड़ आवंटित करने की मांग की गई है। प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी का समर्थन प्राप्त ये विधेयक महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर अमरीकी संसद की ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है। पूर्व विश्व चैंपियन साइखोम मीरा बाई चानू ने कल दोहा में कतर अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन कप में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। चानू ने ओलंपिक क्वालिफाइंग मुकाबले में 194 किलोग्राम का वजन उठाया। वी स्नैच में 83 किलोग्राम तथा क्लीन एंड जर्क में 111 किलोग्राम का वजन उठाकर शीर्ष पर रही। हालांकि ये उनके 201 किलोग्राम के श्रेष्ठ प्रदर्शन से कम रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा। धन्यवाद विमलेंदु। नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन अखबारों की अहम खबर है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, यूपी में भड़की हिंसा, दिल्ली में तनाव, राजधानी में विभिन्न इलाकों में पुलिस पर पथराव। जनसत्ता लिखता है, प्रदर्शनकारियों के सुझाव सुनने को तैयार है सरकार। हिन्दुस्तान का कहना है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर खैर नहीं, 5 साल तक की सजा संभव। अब तक 21 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग से रहा आसान, उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश, सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान होने की स्थिति में सारी जिम्मेदारी आरोपी की। वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम के वार्षिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन अखबारों की सुर्खियां हैं। जनसत्ता लिखता है, मौजूदा सुस्ती के बीच मजबूत होकर निकलेगा देश, 2024 तक $50 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हासिल करना संभव। अमर उजाला की खबर है, मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड आज देखेंगे मोदी, अगले 5 साल की दृष्टि और लक्ष्य भी तय होंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंचाई गई मंत्रालयों की प्रस्तुतियां। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीमा मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों की आज नई दिल्ली में बैठक। सरकार का रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए 50 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का प्रस्ताव। कौशल विकास मंत्रालय सरकारी स्कूलों में 500 कौशल केंद्र और प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा। ब्रिटेन की संसद ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के ब्रेग्जिट समझौते को मंजूरी दी। और उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।